श्री प्राणनाथ प्यारे बोल श्री सदगुरु महाराज की प्राणधार संबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान के पश्चात किस तरह से बालबाई जी के आग्रह पर उनके निर्देशन पर बिहारी जी को गादी पर बैठाया जाता है गादी पर बैठने के बाद कैसे वे बाहरी तौर पर परमधाम की बातों को छोड़कर अन्य विषयों की चर्चा करते हैं कैसे श्री जी ने अपने प्रेममयी वचनों के माध्यम से सुंदर सात को बांध रखा है उन्होंने ही सुंदर सात के हृदय में गादी के प्रति आस्था जगाई है कैसे बिहारी जी की कृपा से मिहिर राज्य को फूलबाई का त्याग करना पड़ जाता है और कैसे मिहिर राज्य के मन में सुंदर साथ की जागनी के लिए सेवा की भावना है कि मैं आर्थिक रूप से भी सेवा करके सभी सुंदर साथ को इकट्ठा रखूं और सभी सुंदर साथ को किसी भी प्रकार की न मायावी वस्तुओं की आकांक्षा हो न उनकी चिंता हो उन्हें केवल राज्य की बातें सुनने को मिले और उनकी आत्मा जागृत हो इस तरह की भावना से युक्त होकर मिहिर राज्य ने कांजी भाई जी को इस सेवा में रखा है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और कानजी भाई को सिखापन देते हुए कहते हैं कि माया मिने बैठ के लाह लेने अब धाम में जागे पीछे एह न कब एह न कब उन्होंने समझाया कि जो भी सेवा करनी है वह इस जागनी के ब्रह्मांड में ही करनी है क्योंकि परम धाम में सेवा नहीं है परम धाम में सेवा के नाम पर लीला हो सकती है सेवा नहीं हो सकती सेवा तो वहाँ होगी जहाँ आवश्यकता होगी जहाँ कमी होगी परमधाम में किसी भी बात की किसी भी वस्तु की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ जो पूर्णाती पूर्ण है किसी को किसी प्रकार की कमी ही नहीं है तो वहाँ केवल लीला हो सकती है हम परिक्रमा आदि ग्रंथों में या सेवा पूजा में इन चौपाइयों को अवश्य पढ़ते हैं कि वहाँ पर सुंदर सात वनों में जा के फल मेवे इत्यादि लेकर आते हैं पर वह केवल लीला रूप में है वहाँ यदि न भी लाया जाए तब भी ऐसा नहीं है कि भूख लगेगी तो वहाँ केवल लीला है और वास्तव में सेवा है तो यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में इसलिए मिहिरराज जी कह रहे हैं कि हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में क्या करना है सेवा की लूट करनी है एक होता है सेवा करना और एक होता है लूट करना लूटने का तात्पर्य क्या होता है कि भले ही किसी और के हिस्से में वह सेवा आ रही है पर हमारे अंदर सेवा के प्रति इतना भाव होना चाहिए कि हम उसे छीन करके भी करें अहंकार के भाव से नहीं द्वेष के या ईर्ष्या की भावना से नहीं इस भाव से कि यह सेवा जल्दी से जल्दी पूरी हो और कह रहे हैं इनसे प्रीत कीजिए सगाई जान धाम अपनी जिस सुंदर सात की सेवा करनी है उनसे कैसा प्रेम करना है अपना संबंध जान करके परम धाम के मूल निस्बती जानकर सेवा करनी है अब प्रश्न यह होता है कि सेवा वास्तव में कैसी करनी चाहिए किसको हम सेवा समझें क्योंकि जहां हम आर्थिक सेवा की बात करते हैं शारीरिक सेवा की बात करते हैं बौद्धिक सेवा की बात करते हैं तो वहीं हमारे मन में ये होता है कि अर्थ कहाँ पर लगाएं शरीर कहाँ पर लगाएं, बौद्धिकता कहाँ पर लगाएं, किसके लिए सेवा करनी क्योंकि कोई व्यक्ति अपने घर में माता पिता का कोई कार्य कर देता है तो उसको भी सेवा की संज्ञा दी जाती है माता पिता की सेवा करना है समाज के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उसको समाज सेवा का नाम दिया जाता है राष्ट्रहित में कुछ किया जाता है तो उसको राष्ट्र सेवा का नाम दिया जाता है अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि राज्य की सेवा करनी है अब राज्य की सेवा कैसे होगी राज्य को तो किसी बात की कमी है ही नहीं तो यहाँ राज्य की सेवा का तात्पर्य ये है कि उन्हें सर्वाधिक प्रसन्नता किस में होती है किसी भी सुंदर साथ की जब जागनी होती है कोई भी सुंदर साथ माया से धनी की तरफ बढ़ता है तो राज्य को उसमें सर्वाधिक प्रसन्नता होती है चाहे हम चौथे दिन की लीला में देख लें श्री देवचंद्र जी सबसे अधिक खुश कब होते हैं जब कोई नया साथ लेकर के आता है तो यहां छठे दिन की लीला में भी जागनी कि सेवा की सेवा का तात्पर्य अथवा राज्य की सेवा का तात्पर्य यह है कि इस वाणी को किसी ब्रह्म सृष्टि तक पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास सेवा कहलाएगा अब वह प्रयास कभी आर्थिक रूप से हो सकता है कभी शारीरिक रूप से हो सकता है कभी बौद्धिक रूप से हो सकता है किसी भी प्रकार से हो सकता है तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि केवल शरीर लगे ऐसा यह भी नहीं होगा कि केवल धन लगे और यह भी नहीं होगा कि केवल बुद्धि लगे बौद्धिकता लगे ज्ञान लगे तीनों आपस में मिलजुल करके ही सेवा का जो लक्ष्य वह पूरा होता है तो उसे सेवा कहेंगे सेवा का तात्पर्य क्या हुआ किसी भी ब्रह्मात्मा तक इस वाणी को पहुंचाने के लिए किया गया हर प्रयास सेवा कहलाएगा किसी भी रूप में हो सकता है जैसे वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम होता है वाणी की चर्चा आदि की जाती है अब वहाँ कोई व्यक्ति बौद्धिक रूप से राज्य की वाणी को चर्चा प्रवचन के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कई लेखों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं कोई गायन के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं तो वो एक सेवा हो गई बौद्धिक सेवा अब वहाँ तक सुंदर साथ को पहुँचाने के लिए जैसे मान लीजिए सात दिन का कार्यक्रम है सुंदर साथ वाणी की चर्चा सुनते हैं चितवनी करने का प्रयास करते हैं पर भूखा तो कोई भी नहीं रहता है तो वहाँ भोजन भी सुंदर साथ को कराना पड़ता है वहाँ आर्थिक सेवा होगी हाँ जब राज्य से हमारे अंदर का जो पर्दा है कहीं ना कहीं अज्ञानता का पर्दा है अहंकार का पर्दा है वह जब समाप्त होता है तो सेवा अनायास ही होने लगती है वैसे हमें करना पड़ता है वह करने की अवस्था है और जब पर्दा समाप्त होने के बाद अनायास ही होने लग जाए तो वह रहने की अवस्था है ये भी साथ साथ में समझते चले अभी हम कहीं ना कहीं करने की अवस्था में कि हमें कोई समझाता है कि ऐसा करना है तो हम कर देते हैं हमें कुछ बात समझ में आती है तो हम कर देते हैं पर कई बार बहुत सारी सेवा ऐसे ही पड़ी रहती है बताना पड़ता है जब पर्दा समाप्त होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अनायास ही हम अपने आप ही अपनेपन के भाव से करते चले आते हैं तो वह वास्तव में सेवा है जिसके साथ प्रेम का संबंध है अब कह रहे हैं सो सब जाहिर में करो मनोरथ सब लाभ ले माया मिने धाम में बातें होवे तब लाभ हमें कहां लेना है इस माया में ही सेवा का लाभ लेना है परम धाम जाके तो हम सेवा की केवल बातें ही कर पाएंगे कि हमने ऐसी सेवा की हमने वैसी सेवा की प्रकाशवाणी में एक प्रसंग आता है सूत कातने का और उस प्रकरण में इस प्रकार से बताया गया है कि कोई ब्रह्म सृष्टि ऐसी है जिसने बहुत ही बारीक सूत काता है अच्छा अब ये समझने से पहले कि किसी ने बारीक काता किसी ने मध्य स्तर का काता किसी ने मोटे मोटी सूत काती तो उससे पहले ये समझना होगा कि सूत की क्वालिटी कौन सी अच्छी मानी जाती है सूत में जो जितना महीन होता है बारीक पतला धागा होता है उसे उतना ही अच्छा माना जाता है कि उतने अच्छे तरह से ध्यान से उसने कार्य किया है मोटे मोटे तौर पर काम करना तो आसान होता है पर उसकी बारीकियों को ध्यान देना यह मुश्किल भरा काम है तो इस जागनी के ब्रह्मांड में भी प्रकाश की वाणी कह रही है कि कोई ब्रह्म सृष्टि तो ऐसी है जिसने बहुत ही बारीक सूत काता है किनो किन मि कातिया साचा स्नेह धर सच्चे स्नेह को हृदय में रख करके सच्चा प्रेम ला करके बारीक सूत काता है किसी ने सोचा कि चलो सूत कातना है शेर भर सूत कातना है ये एक अलंकारिक वर्णन है कि इतना सूत कातना है मतलब औपचारिकता पूरी करनी है तो कर लेते हैं इस तरह से करने वाले भी हैं कुछ ब्रह्म सृष्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी हाथ में पुनी तक नहीं धरी पुनी मतलब जो रुई का धेला होता है और किसी ने चरखा ही हाथ में नहीं लिया और किसी ने न खुद लिया और न दूसरे को लेने दिया किसी दूसरे सखी के हाथ में भी चरखा था उसको भी तोड़ दिया कोई तकला भाने ताव में फोकट फेरा खाए ऐसी भी ब्रह्म सृष्टि है परमधाम में जागृत होने के बाद इस तरह की बात होगी कि, कि किसने सवा शेर सूत काता है सवा शेर का मतलब शेर भर की तो जिम्मेदारी है अपने हिस्से की है तो अपने हिस्से का भी काता है और दूसरे सुंदर साथ से भी कटवाया है तो किसी ने सवा शेर काता है किसी ने शेर भर काटता है और उसमें भी किसने बारीक काता है किसने मोटी सूत काती है और किसने दूसरे का तकला तोड़ दिया है ये सारी बातें परमधाम में जाकर होंगी सेवा यहाँ होगी और बातें परम धाम में होगी और यहाँ कोई सुंदर साथ सेवा कर पाते हैं कि नहीं पाते किसका ईमान कितना है किसकी पहचान कितनी है उसके विषय में भी कह रहे हैं एह अजमाईस साथ की करत हक सुभान मोमिन की माया मिने होत है पहचान ब्रह्म सृष्टि की पहचान माया में होगी क्योंकि जो असली तैराक है उसकी पहचान कब होती है विपरीत दिशा में जल प्रवाह के विपरीत दिशा में यदि कोई तैर करके जा पा रहा है धारा के प्रवाह को चीरते हुए तभी तो उस तैराक की पहचान है नदी के बहाव के साथ तो कोई भी बह जाता है इस माया में माया के बहकावे में बहने वाले तो बहुत हैं पर माया की धार के विपरीत जो ऊंचाई की तरफ चढ़ जाए वास्तव में वही अच्छा तैराक है इसी तरह से अनुकूल परिस्थिति में सेवा हर कोई कर लेता है परंतु सच्ची सेवा कौन सी है परिस्थितियां भले ही प्रतिकूल हो पर वहां पर भी दृढ़ विश्वास और अनन्य प्रेम के साथ में सेवा की जाए तो उस सेवा का अधिक महत्व है एक बार एक साधु कहीं पर चर्चा कर रहे थे उन्हें किसी सामाजिक कार्य से दान की आवश्यकता थी तो उन्होंने दान के विषय में बताया एक सेठ ने उन्हें हजार मुद्राएं दी पुराने समय की घटना है तो हजार मुद्राएं दी उन्होंने ऋषि ने वो हजार मुद्राएं जो थैली में रखी हुई थी अपने शिष्य को पकड़ा दी कि लाओ ये रखो हिसाब किताब कर लेना फिर एक माता आई उन्होंने पाँच रुपया का सिक्का दिया उसको उन्होंने ऐसे देखा और बड़े प्रेम से दिल से लगा करके अपने पास रख लिया सेठ इस घटना को देख रहे थे उन्होंने सोचा कि मैंने हजार रुपये दिया उसको तो ऐसे इस शिष्य को यूं ही पकड़ा दिया जैसे कि कोई दो रुपया देता हो और इस पाँच रुपये को ये ऐसे प्रेम से स्नेह से हृदय से लगा रहे हैं जैसे कि ये पांच रुपया ना हो करके पांच हजार रुपया हो उन्होंने उत्सुकतावश एकांत में पूछ लिया उस साधु से कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि आपने जो हजार रुपया दिया आपकी लाखों की संपत्ति में से दिया था आपके लिए हजार रुपये का मतलब ये है कि एक तालाब में से एक बाल्टी पानी निकालने पर तालाब को कितना असर होता है कुछ नहीं न के बराबर परंतु उस बुजुर्ग माता के पास ये पांच रुपया ही था इसके अलावा और कुछ पैसा ही नहीं था जमा पूंजी ही नहीं थी पर उनके मन में भाव था कि मैं भी कुछ योगदान दूं सेवा के लिए इसलिए उन्होंने दिया इस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने तो अपना सर्वस्व दिया है अमाउंट मायने नहीं रखता क्वांटिटी मायने नहीं रखती है दुनिया क्वांटिटी देखती है दुनिया संख्या देखती है पर राज्य भाव देखते हैं राज्य प्रयास देखते हैं दुनिया परिणाम देखती है तो हम सब सुंदर साथ की भी परीक्षा इसी तरह से होनी है किसी की हो रही होगी वैसे तो सबकी हो रही है पर कौन परीक्षा के लिए कितना तैयार है वो तो सबको पता ही नहीं है परीक्षा तो तब होनी शुरू होती है जब हम स्कूल में जाना शुरू करते हैं ना वाणी क्या कहती है इत परीक्षा प्रगट जो उठावे अपना भार बोझ निवाहे साथ को और बोझ मसनंद भरतार परीक्षा देने के लिए तो वह तैयार है जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जो कभी स्कूल गया ही नहीं वह परीक्षा भला कैसे देगा और समाज में जो जाना शुरू करता है पढ़ाई करना शुरू करता है परीक्षा उसी की होती है कभी वो फेल होगा कभी वो पास होगा कभी वो डिस्टिंक्शन लेकर के आएगा परंतु जो कभी स्कूल गया ही नहीं वो क्या करेगा फेल होने वालों का मजाक बना सकता है कम अंक लाने वालों का मजाक बना सकता है पर हमें दुनिया की परीक्षा से नहीं घबराना है हमें ये ध्यान रखना है कि परीक्षा असली तो राज्य ले रहे हैं और उस परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना है कि अपने तरफ से हम अपना सर्वस्व न्यछावर करने के लिए तैयार रहें फिर हमारा सर्वस्व दुनिया के दृष्टिकोण में कितना है वह मायने नहीं रखता यदि हम अपना शत प्रतिशत दे रहे हैं दुनिया की दृष्टि में वो सौ रुपया दिखाई पड़ रहा है हज़ार रुपया दिखाई पड़ रहा है मायने नहीं रखता है दुनिया की दृष्टि में ये मायने नहीं रखता कि हम एक घंटे एक घंटा शारीरिक श्रम कर रहे हैं कि दो घंटा कर रहे हैं हम अपनी लौकिक पूरी जिम्मेदारी को निभाते हुए भी यदि दो घंटा भी राज्य के लिए लेकिन पूरे दिल से ब्रजवधुओं की तरह समय निकाल पा रहे हैं तो राज्य देखने वाले हैं दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन बस इतना सोचना है कि राज्य देखेंगे और हमें तैयारी भी इस तरह की करनी चाहिए कि यदि अचानक से जैसे वाणी कहती है नई भरोसा खिन का बरस मास और दिन तो कोई भरोसा ही नहीं है अचानक से यदि यह तन छूट जाए और राज्य के सामने हम हमें मुंह दिखाना पड़े तो उसके लिए कितने तैयार हैं बस इतना ध्यान देना चाहिए ऐसा ना हो कि राज्य अभी तो हम तैयार नहीं थे थोड़ा समय और मिल पाता तो अब तो नहीं होगा इतना समय दिया है राज्य ने कि अब भी यदि नहीं चेते अब भी यदि सावचेत नहीं हुए तो अब मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं मिलने वाला है अभी जैसे कोरोना का काल गया इस समय सब लोगों ने सोचा होगा जो लोग बीमार हुए होंगे उन्होंने भी सोचा होगा जो नहीं हुए होंगे उन्होंने भी सोचा होगा कि राज्य बस एक बार के लिए इस समस्या से हमें बाहर निकाल दीजिए एक बार के लिए इस बंधन से निकाल दीजिए अभी तक तो हमें आपको रिझाने का समय नहीं मिला न हम सेवा कर पाए न हम चितवनी कर पाए अभी हम शरीर और संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं बस एक मौका दीजिए हम आपको यहीं पर रिझाएंगे पर कोरोना समाप्त हो गया दो ढाई साल तीन साल हो गए अब उसके बाद क्या किया हमने फिर वैसे ही हो गए जैसे कोरोना के आने से पहले मस्त थे माया में वैसे ही अभी भी हो गए तो परीक्षा हमारी चल रही है हमें ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो अब इस तरह से कहते हैं ऐसा जान के दिल में सेवा लगे करने रखा अपने पास ही जान धाम सगाई अपने यह सब सोच करके मिहरराज जी ने कांजी भाई को भी तैयार किया स्वयं भी तैयार हो रहे हैं और उन्होंने कांजी भाई को अपने पास रखा और कहा कि तीन को तब एक कहिया जो हाथ चालाकी हो तुम सो साथ की सेवा करो यह मेरा हुक्म चालाकी का मतलब बुद्धिमानी कि तुम्हारी जितनी भी बुद्धिमत्ता है वो सारी बुद्धि तुम्हें कहां लगानी है सेवा में मैनेजमेंट जो करना है धन लाने का कार्य मैं करूंगा लेकिन उसको बुद्धिपूर्वक सुंदर सात की सेवा में प्रयोग कैसे करना है ये तुम्हारे हाथ में है और कहते हैं कछु पीछा न देखियो करते खर्च मीने साथ सुंदर साथ में खर्च करते हुए आगे पीछे सोचने की आवश्यकता नहीं है ये नहीं सोचना कि कम पड़ जाएगा कल भी हमने सुना था कि धामधनी दरबार में कमी काहू की ना है किसी भी प्रकार की कमी नहीं पड़ने वाली है सेवा के लिए यदि निकल रहे हो तो और कहते हैं कि मैंने आपको ये सब कुछ सौंप दिया है ये जिम्मेदारी मैंने आपके ऊपर सौंप दिया है कि आप कैसे करते हो और साथ में मार्गदर्शन दे रहे हैं कि बिहारी जी को उनकी रुचि के वस्त्र और आभूषण बना के देना है नागजी भाई को उनकी रुचि के हथियार बना करके देना है क्योंकि उनको हथियार रखने का शौक है तलवार रखने का शौक है और जितने सुंदर साथ हैं उनके लिए भी वस्त्रों की सेवा करनी है भोजन की सेवा करनी है अब क्या हुआ कांजी भाई वैसे ही सेवा करने में उत्सुक हैं और साथ में उनको कहा जा रहा है खुली छूट दी जा रही है कि सेवा करनी है ये जो शिक्षा है मुझे लगता है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के जितने अग्रज हैं अग्रगण्य हैं विशेष रूप से जो न्यास मंडल के ट्रस्ट मंडल के सदस्य हैं उन्हें इस बात से इस प्रसंग से विशेष शिक्षा लेनी चाहिए वैसे तो हर सुंदर साथ के लिए सिखापन है पर मैं उनके लिए इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि जैसे कोई ट्रस्ट का गठन किया जाता है तो ट्रस्ट का मूल उद्देश्य क्या होता है कोई भी ट्रस्ट हो केवल मैं प्राणनाथ ज्ञानपीठ की बात नहीं कर रहा अनेक ज्ञान केंद्रों की बात नहीं कर रहा हर ट्रस्ट का उद्देश्य समाज का कल्याण या समाज की सेवा है ज्ञानपीठ का भी ऐसा ही है दूसरे ज्ञान केंद्रों का भी ऐसा ही है या दूसरे मठ मंदिरों का भी उद्देश्य तो ऐसा ही लिखा या बताया जाता है अब सुंदर साथ सामान्य रूप में व्यक्ति है ट्रस्ट एक संस्था है व्यक्ति के पास संसाधन सीमित है संस्था के पास संसाधन असीमित है संस्था को अधिकार भी प्राप्त है व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं है व्यक्ति केवल कर्तव्य पूरा कर सकता है तो संस्था के पास क्या है जैसे श्रीजी ने धन इकट्ठा करके दिया और कांजी भाई को सौंप दिया कि पूरा अधिकार तुम्हारा है तुम इसको जैसे करना चाहो बस सुंदर साथ की सेवा होनी चाहिए तो ऐसी ही परिस्थिति आजकल की हमारी संस्थाओं की भी है यहाँ प्रत्यक्ष रूप से श्रीजी आकर के इस तरह की लीला नहीं कर रहे पर परंतु परोक्ष रूप से सभी सुंदरसाथ के हृदय में विराजमान राज्य ही जागने के लिए प्रेरित करते हैं और वह सुंदर सात आर्थिक सेवा भेजते हैं तो हम सब का कर्तव्य क्या होता है कि हमारे पास कर्तव्य भी है संसाधन भी है और अधिकार भी है तो हमें भी जैसे कांजी भाई ने किया उसी तरह से करना चाहिए कि एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुकम तो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म की ऐसी सेवा करने लगे जैसे कि उनकी आत्मा को सुख का अनुभव हो वो कहते ना नेकी और पूछ पूछ उनको तो करने की इच्छा थी ही साथ में उन्हें अधिकार भी मिला तो कैसे सेवा की यह शिक्षा लेने योग्य है नागजी भाई के लिए हथियार वस्त्र आभूषण ये सभी व तैयार करते जा रहे थे सुंदर साफ के लिए उत्सव रसोई के लिए उन्होंने क्या किया घी खांड शक्कर अनाज ये सब मिहिर राज जी के घर में इकट्ठा किया जा रहा था कपड़े इत्यादि भी इकट्ठे किए जा रहे थे तैयारी किए जा रहे थे पर अब इस बात की शिकायत वहां के मंत्री के आगे किसी ने कर दी बिहार जी ने किसी को माध्यम बना करके कर दी क्योंकि उनके मन में यह था कि ये लक्ष्य यदि पूरा हुआ तो सुंदर साथ किसकी वाहवाही करेंगे मिहिर राज के हड़पे जाने का वैसे ही डर है जहां किसी भी विषय से राग होता है तो उसके विपरीत विषय से द्वेष होना स्वाभाविक है राग क्या क्या है द्वेष क्या है तो जैसे हमें किसी से सुख का अनुभव होता है उसको पाने की जो तीव्र इच्छा है वह राग है और उस सुख के मार्ग में जो बाधा बने उससे उसको हटाने की जो इच्छा होती है उसको समाप्त करने की जो इच्छा होती है उसे द्वेष कहा जाता है बिहारी जी को गादी से राग है सत्ता से राग है और उस सत्ता के मार्ग में जो भी लगता है उन्हें कि ये बाधा बन सकता है तो उन्हें हटाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं द्वेष के वशीभूत होकर के तो इस बात की शिकायत पहुंच गई कि मिहिर राज तो शाही खजाने से अपना घर भर रहे अब कहते हैं राजा कान के कच्चे होते हैं राजा का मतलब जो भी सत्ता में है क्योंकि उन सामान्य व्यक्ति कुछ करने से पहले सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा अब जो सत्ता में है उसको परिणाम की चिंता ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमारा क्या कर लेगा ऐसा होता है तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ आगे पीछे जाने मिहिर राज जी उनके बड़े भाई सांवल्या ठाकुर और छोटे भाई उद्धव ठाकुर तीनों को नज़रबंद में रख लिया सुंदर साथ कई बार जेल बोल देते हैं पर वास्तव में कैद में नहीं रखा एक हिसाब से वैसे तो कैद ही है अपनी इच्छा के अनुरूप कहीं जा नहीं सकते किसी की आज्ञा का पालन लेना पड़ता है चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सैनिक हैं तो एक तरह से कैद ही है पर ये सामान्य कैदियों से फर्क है जो राजनैतिक लोग होते हैं राजनैतिक कैदियों को नजरबंद में रखा जाता है सामान्य कैदी के समान व्यवहार नहीं किया जाता है जैसे आपने देखा होगा 370 जब हटाया जा रहा था तो कुछ नेता जिनसे विद्रोह की उम्मीद थी आशंका थी उन्हें उनके ही घर में सुरक्षा जांच में रखा गया था तो उसको नजरबंद कहते हैं इसी तरह यहां पर मिहिर राज जी भी राजनीतिक कैदी की कैदी के रूप में है सामान्य दोष नहीं है उनका तो वजीर ने उनको अपने घर में रखा वजीर के घर में परंतु दुख तो उतना ही होगा दुख इस बात का नहीं है कि एक काल कोठरी में रख रहे हैं कि महल में रख रहे हैं दुख इस बात का है कि ईमानदार होते हुए भी किसी भी प्रकार की चोरी न करने पर भी चोरी का आरोप लगाया गया उस आरोप का दुख है यदि वह आरोप नहीं होता तब तो मिहिर राज जी अपने यदि एक ही छोटे से कमरे में भी गुजारा करना पड़ता वो कर लेते उन्हें सुविधाओं से कोई आसक्ति नहीं है पर आरोप से दुख है अब तीनों को नजरबंद में रखे उधर क्या हुआ कि यह 1714 की घटना है कुतुब खान ने अहमदाबाद पर चढ़ाई करने का फैसला लिया था क्योंकि पुराने समय में जब मुग़ल काल में क्या होता था जितने भी मुस्लिम शासक थे उन्होंने समय समय पर भारतीय लोगों पर अथवा हिंदू छोटे छोटे राजाओं पर हिंदू जनता पर कर लगाया है इसके पीछे मूल सोच क्या थी उनकी कि आर्थिक रूप से वो कमज़ोर हो जाए उनका धन हमारे पास आए और जब वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे तो इनके पास सैन्य बल भी घटेगा इनका राज्य भी कमजोर होगा तो या तो हम इनके राज्य पर कब्जा कर लेंगे या फिर ऐसा नियम बना लेंगे कि मजबूर होकर के इन्हें इस्लाम स्वीकार करना पड़ जाए औरंगजेब ने भी ऐसा ही किया था हिंदुओं के ऊपर कभी चोटी रखने पर कर लगाता था कभी जनेऊ पहनने पर कर लगाता था जजिया कर त्यौहार मनाने पर कर लगाया गया था और साथ में जो मुस्लिम बन जाता था तो पुरुष को दो रुपया और स्त्री को एक रुपया पुरस्कार दिया जाता था मुस्लिम बन गए तो इतना मिलेगा तो इस तरह से धर्मांतरण कराया जाता था कुतुब खान भी इसी प्रकार की योजना के तहत वहाँ आने वाला होता है तो वजीर को जब पता चला कुतुब खान से संधि समझौता करने के लिए मंत्री जी चले जाते हैं अब सारा जो सामान इकट्ठा किया था मिहिर राज जी के घर में वो सारा सामान भी शाही खजाने में चला जाता है अब प्रबोधपुरी जिस स्थान को कहा गया है प्रबोधपुरी इसलिए क्योंकि उस स्थान पर रहते हुए इंद्रावती जी की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत हुई थी प्रबुद्ध हुई थी तो वहाँ चिंतन कर रहे थे क्या चिंतन करते हैं कि हम तो धर्म का ही कार्य कर रहे थे लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरे मन में तो केवल इतनी उम्मीद है प्रश्न किससे पूछेंगे उद्धव जी से, से? सांवल्य ठाकुर से किसी से नहीं पूछेंगे ना मूल स्वरूप राज्य से ही पूछेंगे राज्य से ही वह पुकार लगा रहे हैं विरह में तड़प रहे हैं कि न हमने चोरी की थी न किसी का घर लूटा था मेरे मन में तो इतनी ही इच्छा थी कि सुंदर साथ की जमात को इकट्ठा करके जागृत करके परम धाम की तरफ ले चलो और किसी वस्तु की उम्मीद थी नहीं अब इस विषय में सोच सोच करके उनके मन में एक तो दुख हुआ उस दुख को बढ़ा बढ़ा करके विरह के रूप में वो पहुंचाते गए ले जाते गए अब एक अवस्था ऐसी आई कि उन्होंने खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया है वाणी कहती है हाड हुए सब लकड़ी सिर श्रीफल विरह अग्न कि राज्य के विरह रूपी अग्नि में हड्डियों का और सिर का उन्होंने हवन किया है मांस मेद लोहू रंगा याविद होत हवन जाहिरी रूप में उन्होंने आग में नहीं डाला है पर विरह में अवस्था ऐसी हो गई है विरह किसे कहते हैं वि पूर्वक रह धातु है कि जिसके बिना रहा न जाए उसको कहते हैं ऐसी अवस्था को कहते हैं विरह जैसे मछली को पानी के बिना रहा नहीं जाता है हमें भी प्राण वायु के बिना रहा नहीं जाता है तो जब हमारे अंदर ऐसी तड़प आ जाए कि इसके बिना रहा नहीं जा रहा है तो वह विरह है ऐसी अवस्था में जिसके बिना रहा नहीं जा रहा है उस अवस्था में खाना पीना सोना ये सब कुछ छूट जाता है अगर किसी ने दिया जबरदस्ती मुंह के अंदर कुछ गया निवाला तो ठीक है वरना हमारा हृदय मांगता ही नहीं है क्योंकि हृदय तो एक ही है मन एक ही है वह मन जब विरह में तड़प रहा है तो उसी समय में भोजन के विषय में वो कैसे सोच सकता है यदि भोजन के विषय में वह सोच पा रहा है तो समझ लीजिए कि विरह नहीं है तो इस तरह से विरह की अवस्था में जब डूबे तो क्या हुआ जब आह सुखी अंग में सांस भी छोड़ियो संग तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग एक बार के लिए तो श्वास आना भी बंद हो गया ऐसा लगा कि बस तन छूट गया है और उस अवस्था में पहुंच करके श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में अब उन्हें अपने हृदय में युगल स्वरूप का साक्षात्कार हुआ हम बोलचाल में बोल देते हैं कि विराजमान हो गए पर मुझे ऐसा लगता है कि विराजमान होने का मतलब तो यह कि कहीं और थे और आके बैठे पर ऐसा तो नहीं है आत्मा के हृदय में राज्य पहले से ही विराजमान है पर हमें साक्षात्कार इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जैसा कि वाणी कहती है ना शहरक से नजीक हक आड़ो पट न द्वार खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरता एक ही पर्दा है विकारों का उन सभी विकारों का मूल है अविद्या अथवा अज्ञानता जैसे ये पर्दा समाप्त होता है लेकिन ये अज्ञानता और पर्दा समाप्त होने का मतलब केवल चौपाई से नहीं अभी तक हम केवल चौपाइयों से ज्ञानी बने हैं एक तो यह है कि गुड़ मीठा होता है ये ज्ञान है पर वास्तव में यहां जानने का मतलब यह है कि वह मिठास कैसा है और ये अवस्था ऐसा ही है जैसे ये समझाना कोई गूंगा व्यक्ति गुड़ खाए और उसको पूछा जाए कि गुड़ कैसा होता है बताओ गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बताएगा कैसे बता पाएगा वो ये नहीं कह सकता कि मीठा है उसके लिए क्या करना होगा उसके लिए तो स्वयं गुड़ को चखना होगा ना इसी तरह से राज्य हमारे अंदर विराजमान है अभी हमें इस चीज का केवल ज्ञान है अनुभव नहीं है आभास एहसास नहीं है जिस दिन एहसास हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे पर दूसरों को फिर नहीं समझा पाएंगे दूसरे को भी उसी तरह से अनुभव करके समझना होगा सबके लिए राज्य ने तरीका तो बता ही दिया है वाणी में हर एक बात का तरीका बताया हुआ है बस उस तरीके पर चलने की आवश्यकता है अब इस तरह उनके हृदय धाम में युगल स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उस समय कभी उन्हें युगल स्वरूप दिखते हैं कभी उन्हें श्यामा जी की जगह पर देवचंद्र जी का दर्शन होता है कभी दोनों के स्थान में देवचंद्र जी का दर्शन होता है तो उन्हें पूरी तरह से ये बात समझ में आती है कि देवचंद्र जी के अंदर ही युगल स्वरूप विराजमान थे वही राज जी हैं वही श्यामा जी हैं और मैंने क्या किया मैंने उनसे ही प्रतिद्वंदिता कर ली उनसे ही होड़ बांध ली कि आपको दर्शन होता है तो मुझे क्यों नहीं होता है आप वर्णन कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती उसी भाव में बाद में जाकर के किरणतन के एक दो प्रकरण अवतरित होते हैं एक प्रकरण में वो कहती हैं कि मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान और साथ ही ये भी कहा उन्होंने कि पतित शिरोमन यो कहे जो मैं किए वज्रलेप मेरे साहेब स्देश मैंने अपने ही साहेब से अपने ही प्रियतम से प्रतिद्वंदिता बना ली थी और उस इस तरह की मैंने ऐसी गलती की ऐसा मैंने गुनाह किया जिसको वज्रलेप अर्थात अमीट गुनाह कहा गया है ऐसे अब क्या हुआ जब राज्य हृदय में विराजमान हुए प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो अब उनके मुखार बिंद से वाणी अवतरित होने लगती है लगे चर्चा करने वर्णन वानी स्वरूप यो करते दिल खुला बैठे दिल सुंदर रूप अनु उनके हृदय धाम में अनुपम छवि वाला स्वरूप विराजमान है और वाणी अवतरित करा रहा है और वाणी में सबसे पहले कौन सा प्रकरण अवतरित हुआ पहला का बात नहीं। श्री श्रृंगार सबसे पहले अवतरित हुआ है ये जो मोह सागर से संबंधित प्रकरण है शुरुआत के पांच प्रकरण ये दीप बंदर में अवतरित होते हैं सर्वप्रथम ठकुरानी जी का श्रृंगार अवतरित होता है फिर राज्य का श्रृंगार उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार उसके बाद वृंदावन की कुछ रामते रास का पूरा रास की पूरी चौपाया वहां अवतरित नहीं हुई है सूर्य के पांच प्रकरण अवतरित हुए दीप बंदर में और रास की कुछ रामतों का अवतरण मेरता पहुंच करके हुआ है बाकी अधिकतर रास के प्रकरण अवतरित हुए हबसे में फिर प्रकाश गुजराती ग्रंथ भी वहां अवतरित हुआ खटऋतु जिन छः ऋतुओं में उन्होंने विरह किया था सदगुरु महाराज के प्रति राज्य के प्रति वे वह खट ऋतु ग्रंथ भी वहाँ अवतरित हुआ और कलश की दो चौपाइयाँ वहाँ अवतरित हुई जैसे जैसे चौपाइयाँ अवतरित होती गईं तो छोटे भाई भी वहाँ पर विद्यमान है लौकिक नाते से छोटे भाई हैं आत्मिक हिसाब से उत्तम भाई की वासना है उद्धव ठाकुर उन्होंने वहाँ वो उन चौपाइयों को वो लिखते गए अब कह रहे फल बीज इन समय उठा इत अंकुर सो तब थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजकूर अब वाणी का बीज वहाँ से अवतरित होना शुरू हुआ जैसा कि मैंने पहले ही कहा दीप बंदर में जाकर के कुछ प्रकरण अवतरित हुए सूरत में अवतरित हुए बेहद बाणी उतरी दीप बंदर जल में दीप बंदर में जब श्री जी पहुंचे थे वहाँ प्रकाश की जो बेहद वाणी है वो अवतरित हुई थी रास की कुछ रामते मेरते में अवतरित हुई है वेदांत से संबंधित किरणतन अनेक स्थानों पर अवतरित हुए हैं जहाँ जहाँ जाते गए जैसे जैसे प्रसंग परिस्थिति बनते गए तो ये सारा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है कि और किताब तौरेत उत्तरी बीत सूरत कलश पूरा जो हुआ वो सूरत में को जाके हुआ सनंद ग्रंथ अनूप शहर में अवतरित हुआ और अनूप शहर में ही गुजराती भाषा के जो प्रकाश और कलश के प्रकरण थे उनको हिंदी में अवतरित कराया गया कुछ वाणी रामनगर में जाकर अवतरित हुई और फिर पन्ना में जाकर के तहाँ से विस्तार भया बड़ा तूल तो पन्ना जी पहुंच करके खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित हुई कयामत नामा चित्रकूट में उतरा इस तरह से कहते हैं जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे परना मिने वास्ते सयन के सुख काज जेती प्रदक्षिणा निज धाम की परम धाम की परिक्रमा और राज्य के सात स्वरूप राज्य के सात स्वरूप का तात्पर्य कुछ लोग कहते हैं कि जो सात प्रमुख ग्रंथ हैं वैसे तो सभी प्रमुख हैं पर जिसमें परम धाम की बात बताई है रास इत्यादि में तो योग माया की बात है प्रकाश में यही जीव को प्रबोध इत्यादि है पर जो खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मारिफत और कयामत ये सात ग्रंथ हैं तो उनकी बात की जा रही है कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कुछ लोग कहते हैं कि सात श्रृंगार का मतलब दो रास पांच जिम के तो रास के दो श्रृंगार और परमधाम के पांच श्रृंगार लेकिन रास के श्रृंगार तो पन्ना जी में अवतरित नहीं हुए रास का श्रृंगार तो हबसे में अवतरित हुआ तो यहां सात श्रृंगार का मतलब यह है कि सागर ग्रंथ में राज्य के श्रृंगार का वर्णन तीन बार आया है और श्रृंगार ग्रंथ में चार बार अवतरित हुआ है तो इस तरह सात स्वरूप राज्य के ये पन्ना में अवतरित हुए इस तरह से समस्त वाणी का अवतरण कहाँ कहाँ पे हुआ है संक्षिप्त रूप में महामती श्री लालदास जी ने बताया अब पुनः हबसे की घटना में पहुंचते हैं कहते हैं अब फेर कहो हबसे की जाको प्रबोधपुरी नाम जिसको प्रबोधपुरी भी कहा गया है वहाँ बारह महीने तक नज़रबंद में रहते हैं सत्रह सौ चौदह में गए थे सत्रह सौ पंद्रह की ये घटना है उधर कुतुब खान से सलाह करने के लिए जो वज़ीर गए थे संधि समझौता करने के लिए वह वापस आए जामनगर तो वहाँ महल में रहने वाले जो लोग थे उनकी जो पत्नियाँ थी उन्होंने कहा कि वजीर को कहा कि आपने ऐसा जुल्म क्यों किया मिहिर राज पर एक तो घर लूट लिया और दूसरा एक बंधक के समान नज़रबंदी में बैठा दिया और ऐसा किए हुए एक दो दिन भी नहीं पूरा एक वर्ष होने को आया इनको आप जल्दी से जल्दी छुड़ाइए और ऐसे मत छोड़ दीजिए इनको सांत्वना दीजिए सम्मानपूर्वक छोड़िए ताकि इनके मन में किसी भी प्रकार का दुख ना रहे क्योंकि क्या हुआ था कि जब की रामतों का अवतरण हो रहा था तो वहाँ जो महल में रहने वाली रानियाँ थीं उनको कभी बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी कभी सखियों के पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी दिव्य ध्वनि का उन्हें अनुभव होता था तो उन्हें इतना पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ये तो दिव्य महापुरुष है पूरी पहचान तो नहीं है पर इसी रूप में उन्होंने पहचाना कि ये अलौकिक व्यक्तित्व है तो वजीर ने तुरंत ही सबके ऊपर जो सैनिकों को रखा गया था पोहरा बिठाया गया था उनको हटा दिया गया सिरों पाँव देकर के उन्हें विदा किया गया सिरोपाँव का मतलब क्या होता है सिर से लेकर के पाँव तक पहनने वाले वस्त्र इत्यादि होते हैं आज भी पंजाबी पंजाब में सिख पंथ के अंदर सम्मानपूर्वक सिरोपा देने की प्रक्रिया है बीतक में इसको सिरोपाओं कहा है वे पंजाबी में सिरोपा कहते हैं केवल शब्द का फर्क है एक मात्रा का वरना वह परंपरा अभी भी चल रही है तो ये एक सम्मान का प्रतीक होता है इस तरह से जैसे ही उन्हें नज़रबंद से छोड़ दिया गया जिन ग्रंथों को लिखा था उद्धव ठाकुर ने कहा जाता है कि दीवार पर कोयले से लिखा था अब उसको उतार करके ग्रंथ का रूप दिया गया और अब वहाँ से जेल में गए मिहिर राज पर बाहर आए हैं श्रीराज अब श्री जी साहब वहाँ से उस वाणी को लेकर के बिहारी जी के पास पहुँचते हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और सारी बीतक बताते हैं कि क्या क्या हुआ था अब बिहारी जी से सुंदर साथ से मिलने के बाद उन्हें सुख होता है अब जब वाणी के अवतरण की बात बताई जाती है कि इस तरह से ऐसे ऐसे वाणी का अवतरण हुआ है सब सुंदर साथ को सुख होता है उन्हें खुशी होती है कि चलो राज्य की तरफ से हमें कुछ तो मिला पर बिहारी जी उसको पढ़ते हैं क्या लिखा था उसमें कहते हैं इत बिहारी जी चमके सुन खटऋतु के वचन खट के वचन को जब पढ़ते हैं तो उसमें इंद्रावती जी ने कहा सभी ब्रह्म मुनियों को सुंदर साथ को कि मेरे पास एक वसीकरण मंत्र है जिससे कि मैंने जी को अपने वश में किया हुआ है और ऐसे वश में किया है कि मेरे हृदय रूपी पिंजरे में जी को मैंने तोते की तरह रखा है और मैं अपने प्रेम रूपी अंगूर राज्य को खिलाती हूँ राज्य को मैं जैसे खिलाती हूँ वैसे उनको खाना पड़ता है मैं जैसे नचाती हूँ ऐसे उनको नाचना पड़ता है वे कहती हैं हवे जेम नचवूँ तेम नाचो मारा वाला आव्या इंद्रावती ने हाथ ते वसीकरण ने दो बाँधों जेम देखे सहुसा कि मैंने तो आपको वशीकरण रूपी प्रेम रूपी वशीकरण के बंधन में बांध दिया है अब आपको मैं जैसे नचाऊंगी ऐसे आपको नाचना पड़ेगा जैसे बुलाऊंगी आपको आना पड़ेगा अब कुछ ऐसे भी चौपाइयाँ थी और कुछ चौपाइयाँ ऐसी है जो जिसमें विरह किया है उन्होंने अलग अलग प्रकरण है बिहारी जी ने कहा कि मिहराज तुम्हें मेरा विरह करने की क्या आवश्यकता थी हम तुम तो एक ही शहर में बैठे हुए थे तुमने जो विरह किया उसका मुझ पर कितना असर पड़ा तुम सोच भी सकते हो और ये तुमने कविताएं लिखना कहाँ से शुरू किया है देवचंद्र जी ने तो सदगुरु महाराज ने तो कभी इस तरह की कविता लिखी नहीं और तुम ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो अब इन कविताओं को रहने दो पहली बात तो ये है कि एक ही शहर में रहते हुए तुम्हें मुझसे इतना विरह करना नहीं चाहिए था मैं तो कभी भी तुमसे मिल सकता था संदेशा भिजवा दिया होता तो अब तुम विरह भी नहीं करना और ऐसी कविताएं भी मत लिखना और इन कविताओं को रहने दो किसी को पढ़वाने की जरूरत नहीं है ये मार्ग हमारा नहीं है हमारा मार्ग तो वह है जो देवचंद्र जी ने करके दिखाया है अब श्री जी बिहार जी का विरोध करके वहां ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा क्योंकि गुरुपुत्र का एक सम्मान है एक औपचारिकता भी है तो वहां बिहारी जी की कृपा से क्या हुआ बानी वहां न पसरी वह शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन सुंदर साथ तो प्रतीक्षा में थे कि अरे वाणी अवतरित हुई है पता चला है कि रास की रामतों का वर्णन है ऐसा ऐसा वर्णन है पर वे नहीं पढ़ पाए बिहारी जी ने सोचा कि मिहराज यदि यहीं रहे तो मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा पूरी तरह से और सुंदर साथ कहीं न कहीं उनको चाहता है तो मेरी गादी पर खतरा बना ही रहेगा इससे अच्छा ये कि इनको किसी तरह से दूर ही भेज दिया जाए तो उन्होंने क्या कहा कि मिहिराज तुम यहाँ से पुनः जैसे माया का काम कर रहे थे उस तरह से काम करने क्यों नहीं लग जाते अब श्री जी ने उन्होंने भी सोचा कि चलो यहां रहते हुए तो वाणी किसी ब्रह्म मुनि तक ब्रह्मात्मा तक नहीं पहुंचेगी कम से कम यहां से दूर रहेंगे तो कुछ सुंदर साथ को लाभ हो पाएगा वहां से विक्रम संबद 1716 में राज आज्ञा से जूनागढ़ नामक स्थान में गांव बसाने के लिए श्री जी वहां से प्रस्थान करते हैं सत्रह में वे गए सत्रह और अठारह में जूनागढ़ में रहते हैं दो वर्ष अब इन दो वर्षों में कुछ जो विशेष घटनाएं हुई हैं उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं उनमें एक घटना तो ये है जिसका वर्णन श्री लालदास जी ने नहीं किया है पर दूसरी बीतकों में वृतांत मुक्तावली और लीला रस सागर आदि में वर्णन आता है कि जैसे फुलबाई जी का धामगमन हुआ था तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी फुलबाई जी के अंदर जो आत्मा है उन्होंने कि अगले जन्म में भी अगले तन में भी ये मेरे पति के रूप में ही हो श्री जी जब जूनागढ़ पहुंचे तो वहाँ तेज कुमारी नाम की एक स्त्री है जो अपने पिता के साथ कहीं जा रही है श्री जी एक तरफ से यात्रा करते हुए वहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें देख करके तेज कुंवारी जी घूंघट ओढ़ लेती हैं अब उनके पिताजी ने देखा तो सोचा कि इसने आज तक तो किसी पुरुष को देख करके इस तरह का व्यवहार नहीं किया था तो ऐसा क्यों किया तो उन्होंने पूछ लिया तेज कुमारी जी से कि आपने ऐसा क्यों किया उनको देख करके घूंघट क्यों किया उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है उनका नाम मिहिर राज है और पहले के जन्म की सारी घटना उन्होंने बता दी अभी ने आश्चर्य जाकर के पूछा तो पूछने पर पता चला कि वो बात सच है कि मतलब मिहिर राज जी की पत्नी का नाम फूलबाई था ये वो सारी घटना तो तेज कुमारी जी की जो इच्छा थी कि मेरा विवाह इन्हीं के साथ हो तो उस ब्रह्मात्मा का क्योंकि त्याग है फुलबाई जी के तन के रूप में तो उस त्याग के फल स्वरूप अब मिहिर राज जी ने दूसरा विवाह किया तेज कुंवर जी के साथ अब कुछ सुंदर साथ इसमें कहते हैं कि उनकी उम्र उस समय लगभग आठ वर्ष की थी आठ वर्ष की स्त्री आठ वर्ष की बालिका के साथ में श्री जी ने विवाह किया मिहिर राज जी ने विवाह किया पर यह संभव नहीं है व्यवहारिक दृष्टि से भी देखे तो वास्तविकता ये है कि देखिए वो आठ वर्ष का इसलिए बता देते हैं क्योंकि 1712 में देवचंद्र जी का अंतर्धान हुआ और उसके बाद बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया तो ये लगभग बारह की ही घटना होंगी फुलबाई जी के धामगमन की कहीं स्पष्ट वर्णन तो नहीं है तो उनको लगता है कि फुलबाई जी के धामगमन के पश्चात ही तो देवचंद्र तेज जी का जन्म हो सकता है उस हिसाब से वे लगभग सात आठ वर्ष का बता देते हैं क्योंकि ये सत्रह सौ सत्रह अठारह तक वहाँ रहते हैं उस हिसाब से इन्होंने सात आठ वर्ष की उम्र की कल्पना की है सुंदर साथ ने पर ऐसा नहीं है किसी आत्मा को तन धारण करने के लिए गर्भ में आने की तो जरूरत नहीं है जैसे ब्रज में वधुएं थी ब्रज में ब्रह्म सृष्टि आई तो कैसे आई किशोर तनों में ही तो उन्होंने प्रवेश किया ना तो इसी तरह से फूलबाई जी के अंदर की जो आत्मा थी उन्होंने तेज कुंवरी जी नामक किशोरी तन में ही प्रवेश किया जिनके साथ में राज जी ने विवाह किया यही मानना उपयुक्त रहेगा क्योंकि यदि आप कहते हैं कि आठ वर्ष की बालिका के साथ में सात आठ वर्ष की बालिका के साथ में विवाह किया तो ये तो सीधे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जिस तन में अक्षरातीत विराजमान हो वो इस तरह की लीला भी कैसे कर सकते तो यही मानना होगा कि किशोर तन में उस आत्मा ने प्रवेश किया था तो एक ये विवाह की घटना है और साथ ही एक घटना ऐसी है जिसका वर्णन श्री लालदास जी ने यहां पर किया कि वहां हरिजी व्यास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे वे अचानक बीमार पड़ गए होता क्या है आजकल अब यहां यूपी में उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता पर कई स्थानों में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति अंतिम अवस्था में होता है ऐसा लगता है कि इसके प्राण छूटने वाले हैं तो उसको पलंग पर से जमीन पर लेटाया जाता है जमीन पर कुछ बिछा करके तो इसी तरह से हरिजी व्यास की भी वही अवस्था हो गई उनको भूमि पर उतारा गया और उनके नाम पे दान पुण्य कराना शुरू किया अब हरिजी व्यास को और अधिक दुख हुआ और उन्होंने ये कहा कि क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन मैं नाही इन इंड का मेरा क्यों कल्पाओ मन तुम लोग यमपुरी का साधन करा रहे हो पर मैं यहाँ का नहीं हूं तुम ये सब यमपुरी का साधन करा करके दान पुण्य करा करके मेरा दिल क्यों दुखाते हरजी व्यास के यहाँ कांजी भाई नौकरी कर रहे थे कांजी भाई ने जब ये शब्द सुने साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दो बात की जलन लिए हुए मैं जा रहा हूँ एक तो जिसको मैंने हाँ कहा उसको ना कहने वाला कोई नहीं हुआ और जिसको मैंने ना कह दिया उसको हाँ कहने वाला कोई नहीं हुआ अब जब ये दो बातें कांजी भाई ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि एक तो ज्ञान का अहंकार है ये तो तय है पर साथ में यह भी निश्चित है कि ये जीव सृष्टि तो नहीं है या तो ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि ऐसी बात बोल सकती है या फिर ईश्वरीय सृष्टि बोल सकती है कि मैं इस एंड का नहीं हूँ तो इस विषय में उन्होंने श्री जी से बात की श्री जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो हो सके तो तुम उनको ठीक करो सेवा करके ठीक करो और मैं उनसे चर्चा करूँगा जब मैं चर्चा करूं तो तुम साक्षी रूप में रहना कि हाँ आपने ऐसा कहा था श्री जी का आदेश पा करके अब कांजी भाई पहले तो काम कर रहे थे उनके यहां नौकरी कर रहे थे पर अब सेवा करने लगते हैं नौकरी और सेवा में क्या फर्क है परिश्रम तो वही करना होता है पर भाव का फर्क है एक घर में माँ भी कोई काम करती है खाना बना के देती है कोई नौकर या नौकरानी भी खाना बना के देती है काम वाली बाई भी पर दोनों के बनाने में क्या फ़र्क होता है कि माँ पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए बेटे के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसके लिए जो अच्छा होगा वो बना करके खिलाती है और काम करने के लिए जो जो भी आते हैं चाहे नौकर नौकरानी जो भी हो वो ये नहीं देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य कैसा होगा अच्छा होगा कि बुरा होगा वो देखेंगे कि मुझे तो यहां जल्दी से जल्दी काम निपटा के दूसरे के घर पे भी जाना है तो उनके हिसाब से जो सही लगता है वो बना करके दे देते हैं तो है। ये औपचारिकता है दूसरा यदि आपको तीन रोटी प्रतिदिन खाने की आद भूख है एक दिन अचानक से ज्यादा भूख लगी और आपने कहा काम करने वाले को कि मुझे एक रोटी और खानी है वो मजबूरी में बना के तो देगा क्योंकि पैसा आपसे ले रहा है पर मनी मन बोलेगा कि पहले नहीं बोल सकता था कितना खाता इस तरह से कुछ ना कुछ तो बड़बड़ बड़ आएगा और माँ आपको तीन की जगह पर चौथा रोटी खाने की इच्छा है चौथी रोटी तो माँ के मन में खुशी होगी कि कम से कम हमारे बच्चे ने आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाई तो सेवा में भी इसी प्रकार भावना का फर्क है परिश्रम तो काम में भी है सेवा में भी है केवल भाव का फर्क होता है अब यहाँ उनके मन में ये है कि कहीं ये परमधाम की ब्रह्म सृष्टि भी हो सकती है तो उस भाव को लेकर के वे सेवा करते हैं और सेवा करके उन्हें ठीक कर देते हैं ताज़ी ताज़ी सब्जियां बाग में से ला के बनाते हैं खिलाते हैं तो कानजी भाई की सेवा से हरजी व्यास प्रसन्न हुए और कहते हैं मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुमको आपको जो मांगना है मांग लो मैं आपको वो दे दूंगा क्योंकि आपने जो सब्जी की सेवा से मुझे बहुत प्रसन्न किया है कोई हजार रुपया भी दे देता उस समय का हजार रुपया बहुत होता है आज के लाखों के बराबर तो कहते हैं कोई हजार रुपया भी दे देता तभी भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना तेरी तरकारी की सब्जी की सेवा से प्रसन्न हूँ इसलिए आपको जो मांगना है मांग लो तो कान जी ने कहा कि आप पहले पूरी तरह से ठीक हो जाइए जब आप ठीक हो जाएंगे तब समय आने पर मैं मांगूंगा हरजी व्यास ने कहा ठीक है इस तरह से करते करते जब हरजी व्यास काफ़ी ठीक हो गए उन्होंने फिर से पूछ लिया कांजी भाई से कि आप बताओ कि मैं क्या करूं आपका मैं कौन सा कार्य करूं तो कांजी भाई ने कहा कि मुझे एक ही वस्तु चाहिए कि एक साध को सुनाओ चर्चा यही पांव मैं कष्ट में बस इतनी ही कृपा चाहता हूं आपसे कि मेरे मेरे घर में एक साधु रहते हैं क्योंकि अब ये थोड़ी बोलेंगे कि प्राणनाथ रहते हैं उसी हिसाब से वो परिचय देना पड़ेगा अभी तो पहचान ही नहीं हुई है तो कहते हैं, मेरे घर में एक साधु आए हैं आप उनको चर्चा सुनाइए तो हरजी व्यास ने कहा कि श्यास कान जी तुमको क्या तुम मांगा मुझसे एकते राजी किया सेवा मिने फिर चर्चा सुनाने के एक तो आपने सेवा करके राजी भी किया और दूसरा क्या मांगा चर्चा सुनाने का ये तो मेरा खुद का व्यवसाय है ये मेरा खुद का कार्य है तो हर तरफ से आपने तो मुझे खुशी दी है सेवा करके पहले खुशी और यह चर्चा की सेवा करने का मौका देके अब दुगनी खुशी आपने मुझे दी है अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस तरह से श्रीजी और हरिजी व्यास के बीच में बातचीत होती है दो महीने तक वो हरिजी व्यास से भागवत सुनते हैं वो चाहते तो पहले ही दिन प्रश्न पूछ करके हरजी व्यास को शांत करा सकते थे जिन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में कांजी भट्ट को चुप करा दिया था उनके लिए हरजी व्यास को चुप कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी पर हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए कि सुनने की भी प्रवृत्ति रखनी चाहिए तो कैसे उन्होंने दो महीने तक भागवत सुनी कैसे चौरासी लाख योजन के हीरे के मंदिर के विषय को लेकर के उन्होंने प्रश्न पूछा कि वो जो हीरे का महल है वो कौन सा है किसका महल है अक्षर का है कि क्षर का है अक्षर का है तो कहाँ पर है जब महाप्रलय होता है तो वो कहाँ रहता है इस तरह के प्रश्न उन्होंने पूछे कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि इन प्रश्नों का समाधान क्या है और किस तरह से हरजी व्यास का जो ज्ञान का अहंकार है वो समाप्त होता है आज के लिए समय पूरा होता है चौपाई दोहरा लीजिए जी तुमको क्या तुम मांग्या मुझसे एक ते राज किया सेवा मिने फिर चर्चा सुनावने के फिर चर्चा सुनावने के, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ બોલો શ્રી સદગુરુ મહારાજ